हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। देखिए, पहले हमने पेन फ्री हैबिट्स का सेशन स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके आपके इंटरेस्ट को देखते हुए सेशन हम लगातार लेकर आ रहे हैं। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये अभियान मैंने एक शुरू किया है पेन फ्री हैबिट्स का, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके इस्तेमाल से हम काफ़ी सारी चीज़ें पेन फ्री करने की आदत डाल रहे हैं। और बेसिकली जो आपका सिलेक्शन है वो एक आदत ही मांगता है कि आप आसान क्वेश्चन को भी कितना आसान करते हैं और मुश्किल में कितने स्टेप आप स्किप करते हैं। तो देखिए, सीजीएल मेंस के 17 के लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन देखे एसआईसीआई के कुछ, और आज की क्लास के अंदर भी हम दोबारा से इन्हीं के क्वेश्चन देखेंगे एसआईसीआई के, सीजीएल 17 मेंस के। तो देखिए, पहले एसआईसीआई की बारी है। पहले हमने कुछ एक क्वेश्चन रेशियो के, कुछ एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के, कुछ एक क्वेश्चन परसेंटेज के देख ही लिए हैं। आने वाले सेशन में भी हम यही करेंगे कि 17 मेंस के लगभग सारे क्वेश्चन इसी तरीके से लाए जाएं और आपको समझाया जाए कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर आप पेन फ्री इस तरीके से कर सकते थे। तो देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन लिखेंगे जो कि 17 मेंस के ही है सारे। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष में साधारण ब्याज से यदि मूलधन 15% बढ़ जाता है तो उसी दर पर ₹15 लाख पर 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज समान दर से लगभग कितना होगा। ये आपको बताना है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, डिपेंड करेगा आप पे आपकी अप्रोच क्या रहती है। ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये आपके ऑप्शन आ गए। अब देखिए, अप्रोच जो हमारी रहनी चाहिए, मेन खास बात यही है, आप जो वीडियो भी देख रहे हैं वो केवल इसलिए देख रहे हैं कि अप्रोच आपकी क्या खास रहेगी। यानी देखिए, मेरी एक हैबिट है और इसी हैबिट का मैं क्लास में भी काफ़ी बार इस्तेमाल करता हूँ। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो लगातार जानते हैं, मैं कोशिश यही करता हूँ कि भाई आपको ये इस तरीके से करके चीज़ें समझ आएँ, लिखना ना पड़े उस चीज़ के अंदर। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए ध्यान से समझते हैं। 3 साल में 15% बढ़ रहा है तो 1 साल का 5% हो गया, और 5% के हिसाब से अगर आप 3 साल का CI निकालते हैं तो 15.7625 हो जाता है, जो हम लगातार परसेंटेज से निकालते हैं। तो यानी जो आंसर होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वो 15% से ज़्यादा होगा और 16% से कम होगा। अगर मैं 15% निकालता हूँ 15 लाख का तो 2.25 आ गया, और अगर 16% निकालता हूँ तो 240 आ गया, 2.40। तो 2.25 से बड़ा होगा और 2.40 से कम होगा। तो आप देखते हैं, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, अप्रोक्सीमेट आंसर आपको निकालना है। 15% 3 साल का SI है, कंपाउंड इंटरेस्ट 15.7625 हो जाएगा, जो कि 16 से कम होगा। तो 15% से ऊपर और 16% से नीचे आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन ये 17 मेंस के ही है। यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज से
9600 रुपये और 10272 रुपये है। तो ब्याज दर बताना है आपको। देखिए मैं क्वेश्चन भी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, जिससे आप चीज़ें जल्दी समझें। केवल समझने वाले पार्ट पे हमें फोकस करना है। देखिए कोशिश करिए घर पे भी ऐसे ही करने की। पेन फ्री एक आदत है, और एक आदत एक बार अगर डल जाती है तो यही आदत मैं दिखाऊंगा आपको कि ज्योमेट्री के सेशन भी आएंगे हमारे, और आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपने वो पहला सेशन नहीं देखा होता तो ज्योमेट्री का ये सेशन आपको नहीं समझ आया होता। अगर आप देखते हैं 9600 रुपये की राशि है, इतना ब्याज मिल रहा है, 2 साल बाद इतना हो गया, तीसरे वर्ष के आखिर में इतना हो गया, तो ब्याज मिल गया इस पे 672 का, 672 का ब्याज मिल गया 9600 पर। तो 96 को मैं किससे गुणा करूं जो 672 आ जाए? 96 को आप 7 से गुणा करेंगे, लास्ट डिजिट अगर चेक करते हैं तो 6 7 42, तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए 2 साल बाद आपको कोई राशि 9600 मिलती है और 3 साल बाद 10272 मिलती है, तो 1 साल का जो ब्याज मिला आपको वो 672 रुपये मिला, और वो भी कितनी राशि पे मिला? 9600 की राशि पर मिला। इंटरेस्ट अगर आप निकालते हैं तो 96 को किससे गुणा किया जाए जो लास्ट में 2 आ जाए? तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बैंक में 1000 रुपये की राशि दो वर्ष के लिए निवेश किया, जिसने उन्हें पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 6% ब्याज दिया, यदि 2 साल बाद उसे 24,486 रुपये की राशि मिलती है तो x का मान होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए बैंक की बात हो रही है, तो बैंक में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि बैंक में आप एक बात नोट करते हैं, आप कभी भी पैसे जमा कराते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी राशि में जुड़ जाता है, और अगले साल आपको दोबारा से उसी पर इंटरेस्ट मिलता है। तो ध्यान से आप देखते हैं, अगर देखिए 5% अगर पहले साल का है और 6% दूसरे साल का है, अगर मैं देखता हूँ कोई प्रिंसिपल है उसका 105 और उसका 106 अगर आप निकालते हैं तो बराबर आएगा इसके, और अगर मैं डीएस पे काम करता हूँ, डीएस देखिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हम काफ़ी जगह लगाते हैं, ठीक है। आपने देखा 105 का मतलब 6 हो गया, 106 का मतलब 7 हो गया, तो 6 को 7 से गुणा करेंगे यानी 42 के अंकों का योग हो गया 6, और राइट साइड में जो नंबर लिखा है उसके अंकों का योग अगर मैं देखता हूँ तो ये 6 मिलेगा, क्योंकि ये कट जाएगा 8 4 12 6 18, तो लेफ्ट साइड वाली संख्या को 6 से गुणा करना है और राइट साइड में 6 लाना है। अगर मैं इसके अंकों के योग को 6 से गुणा करूँगा, 6 5 30, 6 नहीं आएगा, इसको करूँगा ये तो 9 है, इसको करूँगा 6 4 24 यानी 6 हो जाएगा, इसको करूँगा 6 8 48, ये वापस 6 नहीं होगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन भी कट जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने कोशिश करी डीएस से करने की, प्रिंसिपल है 105%, 106% बराबर हो गया इसके, इसके अंकों का योग 6 है, 105 के अंकों का योग 6, 106 के अंकों का योग 7, 6 7 42 यानी 6, तो पी को 6 से गुणा करके 6 लाना है, तो पी आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा और आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दस हजार रुपये की
राशि पर, एक साल में, मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, ₹10,000 की राशि पर, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, ₹10,000 की राशि पर एक साल में मिलने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर 40% वार्षिक दर से तिमाही और वार्षिक ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए इतनी देर में मैंने क्वेश्चन लिखा, आप आंसर निकाल सकते हैं इतनी देर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान से आपको देखना है। देखिए सारी चीजें ना हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी देखिए मेन बात पता क्या है, जब भी आप घर पे क्वेश्चन करते हैं ये जरूर सोचिए कि आप उसे परफॉर्म कैसे करेंगे। मैं हमेशा क्लास में भी ये बात बोलता हूँ बच्चों से कि आप ये बात देखिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे एक्स वाई जेड कहीं से भी पढ़ रहे हैं, क्या आपने परफॉर्मेंस पे काम किया है या केवल कंटेंट कंटेंट बनाए जा रहे हैं। तो देखिए ये जो काम है ये परफॉर्मेंस वाला मैं बता रहा हूँ, कंटेंट वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको केवल ये बताया जा रहा है कि पेपर में आपकी सोच किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कंटेंट आपको बहुत जगह मिल सकता है पर परफॉर्मेंस सब जगह आपको नहीं मिल सकती, और मेन रोल सिलेक्शन के अंदर परफॉर्मेंस का है। कंटेंट लगभग सभी बच्चों का अच्छा हो जाता है पर परफॉर्मेंस सभी बच्चों का अच्छा नहीं होता है। अगर मैं देखता हूँ ध्यान से, देखिए एक साल का 40% के हिसाब से 40% ही ब्याज होगा अगर मैं बात करता हूँ, चाहे सी आई हो या एस आई हो। पर अगर मैं क्वार्टरली की बात करता हूँ तो एक साल का अगर 40 है तो क्वार्टर का 10% रेट हो गया। क्वार्टर का अगर 10% है, अगर मैं तीन क्वार्टर की बात करता हूँ तो 33.1 हो जाएगा। फिर चौथा क्वार्टर यानी अगेन 10% लेते हैं तो एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 33.1 और 10 हो गया 43.1, और उसके अंदर आप 3.1 जोड़ेंगे तो 46.41 हो जाएगा। तो यानी क्वार्टरली में जो आपको ब्याज मिलेगा वो 46.41 मिलेगा, वैसे जो ब्याज मिल रहा है 40 मिल रहा है, तो 40 और 46.41 में अंतर हो गया 6.41 का। 6.41 का अंतर मैं इस पर निकालूंगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बात को ध्यान से समझना है, समझ नहीं आए अगर तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिपीट करके देखिए, पर चीजों को समझिए। ये देखिए कि हमने पेन तक नहीं लगाया और आंसर आ गया, और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया बिल्कुल, ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है बिल्कुल। आप देखिए पेपर उठाइए तो धीरे धीरे करके जो आपका भ्रम होता है ना कि जैसे पेन फ्री हम नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हैं, पर करेंगे जब ही जब आपने ये चीज़ समझी भी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है तो आप इस चीज़ को बहुत आराम से अडेप्ट कर लेंगे, और नहीं समझ आ रही है तो चीज़ को पॉज कर करके देखिए जब तक आपको समझ ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से ये लगातार क्वेश्चन है किसी भी पेपर के 17 में इसके ये लगातार ही दे रखे हैं, पहले वाले क्वेश्चन भी और ये वाले भी। किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से
चक्रवर्ती ब्याज से कोई राशि 12,000 हो जाती है, तो चौथे वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सभी 17 मेंस के हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए आपने कोई पैसे जमा कराए बैंक के अंदर 12% के हिसाब से 3 साल बाद आपको 12,000 रुपये मिल गए। अगर आप बैंक में ही पैसे रखे रखते तो चौथे वर्ष के बाद आपको कितना मिलता, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है, तो 12% और मिल जाता इसका। इसका अगर आप 12% निकालते हैं तो देखिए इसका 12% हो जाएगा 1440, 12 × 12 144 होता है, 1440 जोड़ेंगे 13,440 हो जाएगा, यानी 13,000 से ज़्यादा और 14,000 से कम। इसी में आप DS भी लगा सकते हैं। 112% अगर मैं इसका निकालता हूँ, 112 का अंकों का योग हो गया 4, ये हो गया 3, 4 × 3 = 12 यानी 3, इसके अंकों का योग 3 होगा, इसके अंकों का योग 5 है, इसके अंकों का योग 2 है, इसके अंकों का योग 3 है, इसके अंकों का योग 6 है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कोशिश करिए इसी तरीके से करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दस प्रतिशत वार्षिक दर से तीन वर्षों के पश्चात चक्रवर्ती ब्याज से कुल इतनी राशि मिलती है, तो मूलधन था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए ये आपको निकालना है। अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, डीएस कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, अगर मैं राइट साइड का डीएस निकालता हूं, आप देख सकते हैं 9999, तो राइट साइड के अंकों का योग 9 है, लेफ्ट साइड के अंकों का योग जब तक 9 नहीं होगा तो आपका आंसर नहीं आ सकता। 10% के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, ब्याज हो गया 110%, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए प्रिंसिपल इंटू 110 110 110 = ये, तो प्रिंसिपल इंटू 110 110 110 बराबर हो जाएगा अंकों के योग 9 के, तो जब तक यहाँ पर 9 नहीं आएगा, यहाँ पर 9 नहीं आ सकता, तो अगर मैं देखता हूँ तो प्रिंसिपल में 9 होना जरूरी है, तो आप देखते हैं सीधा पहला ऑप्शन आपका सीधा आंसर हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं करना था आपको क्वेश्चन में। अगर आपको चीज़ें पता हैं तो देखिए बिना पेन के होगा, और वो लॉजिकल चीज़ है, आपको तुक्का नहीं मार रहे हैं इसके अंदर। राइट साइड के अंकों का योग आपने देखा 9 हो गया, अगर मैं 110 देखता हूँ तो अंकों का योग 2 हो गया, फिर 2 यानी 8 हो गया, 8 को किससे गुणा करें जो 9 आ जाए, तो इसका मतलब जब तक लेफ्ट में 9 नहीं होगा, राइट साइड में 9 नहीं आ सकता, तो इसलिए आपका 90,000 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने महीनों में ₹8,000 की राशि चक्रवर्ती ब्याज से 2648 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज देगी, 20% वार्षिक दर से, जो कि अर्धवार्षिक लागू है। ऑप्शन लिख देता हूं, देखिए आपको ध्यान से देखना है, घर पे एक आदत बनानी है,
मेन बात ये है। देखिए आप मेरे सामने क्वेश्चन लेकर आइए, काफ़ी बच्चे जो मेरे से पढ़ते हो मैं जानते हैं मुझे अच्छी तरीके से, कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि पहले आपको बिना पेन के ही बताऊँ, और मैं चाहता हूँ आपको ये आदत पड़े, क्योंकि अगर ये आदत पड़ गई तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूँ सामने, तो मैं बात बात पे लिखना क्यों शुरू करूँ, मैं देखता हूँ कि भाई 8,000 रुपये पर इतना ब्याज मिल रहा है। अब मैं देखूंगा कि ब्याज ये कितने प्रतिशत मेरे को मिल रहा है। 8 से मैं काटता हूँ, 8 * 3 = 24, 8 * 3 = 24, 8 * 1 = 8, तो 33.1% मुझे ब्याज मिल रहा है। 33.1% मिलता है मेरे को 10% के हिसाब से 3 साल में। अगर मैं देखता हूँ 10% यहाँ पर साल का नहीं है, 10% है यहाँ पर हाफ ईयरली, क्योंकि 20% साल का है, तो हाफ ईयरली अगर 10% है तो 3 हाफ ईयर लग जाएंगे, आधा आधा और एक और आधा, तो यानी 18 महीने आपको लग जाएंगे, 18 महीना आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो कोशिश हमने यही करी कि बिल्कुल बेसिक चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में ले गए और आंसर अपना बिना पेन के निकालने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी। यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 रुपये है, और 2 साल में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 2,160 रुपये है। अब देखिए मेन बात पता क्या है, आप में से बहुत बच्चों ने सारा कंटेंट बना लिया, आता आपको सब कुछ है, ये क्वेश्चन भी आपके सामने आया, पर आपका रिएक्शन टाइम सबका अलग अलग रहेगा और उस रिएक्शन टाइम के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं सारी रिएक्शन टाइम के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, यानी आपको उस रिएक्शन टाइम पे ही काम करना है कि कितने कम समय में आप आंसर मार्क कर सकते हैं। केवल आना बड़ी बात नहीं है, इसी में मैं स्टेप लिख के भी समझा सकता हूँ आपको कि भाई ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर वो काम हो गया टीचर वाला, तो आप मैं यहाँ पर टीचर वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने पेपर किस तरीके से निकाला। आपको भी ये चीज़ें अजमानी पड़ेंगी डेली रूटीन के अंदर, तभी आपका भी पेपर निकलेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, आप कंटेंट बनाना जान जाएंगे। कंटेंट बनाना जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी जांच लेगा, मेन बात ये कंटेंट के साथ साथ हमें सिलेक्शन भी लेना आता है। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो देखिए 2,000 रुपये इंटरेस्ट है तीसरे वर्ष का, 2,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया तीसरे वर्ष का, और ये आपको दे रखा है 4160, ठीक है, 2,000 रुपये इंटरेस्ट है तीसरे वर्ष का, और 2 साल का जो CI है वो 4160 है। अगर आप ध्यान से देखें, आप ये सोचिए जो आपने पढ़ा, ठीक है, उसी चीज़ को हमें पेन फ्री बनाना है। 2,000 एक साल का अगर SI है तो 2,000, 2,000 और 160, तो 2,000 रुपये की राशि, 2,000 रुपये की राशि और 160 रुपये की राशि, 160 इसलिए क्योंकि मैंने स्प्लिट करके लिख लिया, तो 2,000 रुपये की राशि पर अगर मेरे को 160 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है 8%, तो 8% मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो कोई क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल के नहीं है जो एग्ज़ाम में आए हैं, क्वेश्चन आपके बेस लेवल के ही हैं, पर मेन बात यह है कि आपको पहले से घोड़ा बन के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। घोड़ा बनने का मतलब ये आपको दौड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है गधों की तरह आप टिक 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 चल रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि सिलेक्शन अगर लेना है आप खुद देखिए कॉम्पिटिशन कितना फास्ट है, अपनी ब्रेन को एक्टिव बनाना पड़ेगा। ये सारी वीडियोस आप जितनी भी मेरी देखेंगे ना, ये सारी आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज कराएंगी, ये केवल आपका कंटेंट नहीं जांचेंगे, ये भी दिखाएंगे आपको कि आपको अपने ब्रेन को कितना फास्ट बनाना है। देखिए मैं आपके सामने लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ, ये तो लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैंने भी इन चीज़ों पे काम किया होगा। आप एट द मोमेंट कभी मेरे इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं और पूछ सकते हैं सर इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को भी आपको डायरेक्ट ही बताऊँगा कि भाई देखिए इस चीज़ को आप पेन फ्री इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर मेरे को लगेगा कि बड़ा होगा क्वेश्चन बहुत, तो मैं कहूँगा आप इसे छोड़िए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है,
क्योंकि अगर आप पेपर में भी बैठ के 15-20 स्टेप बनाते हैं तो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस क्वेश्चन को आपको लीव करना ही बेटर रहेगा। तो थोड़ा इस पेन फ्री हैबिट पे हम आगे भी काम करते रहेंगे जैसे हम आज तक करते आए हैं। तो आज के सेशन में मैंने SI CI के 17 में इसके कुछ और पेपर के क्वेश्चन लिए हैं। अभी एक सेशन और रह रहा है SI CI का, ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। एक सेशन हमने पिछला किया था, एक ये किया और एक अगला होगा। उस सेशन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के सारे सेशन लेकर आऊँगा मैं। सभी सेशनों में आप देखेंगे CGL 17 मेंस के क्वेश्चन, जो हम कहते हैं कि बहुत मुश्किल आया था, इस तरीके से आप पेन फ्री कर सकते हैं। और कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है, मैंने जो चीज़ समझाई आपको एक प्रैक्टिकल तरीका है जो आपको समझना है। और अगर आप चीज़ें प्रैक्टिकली समझ जाते हैं तो चीज़ें इतनी बड़ी नहीं है, केवल आदतें बदलनी है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद।